नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। एक बज चुके, एक बजने के साथ ही खबर उत्तर प्रदेश लेकर हाजिर हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले बात शामली की करते हैं, जहां सदर इलाके में एसटीएफ की छापेमारी। यूपी एसटीएफ ने एक शख्स हिरासत में लिया, आईएसआई एजेंट कलीम के साथियों की तलाश। शामली में कई जगह एसटीएफ की छापेमारी। शामली से कुछ दिन पहले ही आईएसआई से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद अब लगातार यूपी एसटीएफ छापेमारी कर रही है। जहां पूर्व में पकड़े गए आईएसआई एजेंट कलीम के घर पर छापेमारी की गई, जिसके पास से पाकिस्तान के लोगों से व्हाट्सएप चैट के भी सबूत मिले थे, जिसके चलते यूपी एसटीएफ तभी से शामली में डेरा जमाए बैठी है। पुलिस सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आज सुबह से ही जिले में कई जगह छापेमारी की जा रही है। उसी दौरान एसटीएफ ने एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एक व्यक्ति से यूपी एसटीएफ बड़ी गहनता से पूछताछ करी है। आपको बता दें कि आरोपी आईएसआई पाकिस्तान से संबंध रखने के मामले में पाकिस्तान की जेल से छूट कर आया है। कलीम पुत्र नफीस को बड़ी मात्रा में सबूत के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके अब अन्य साथियों की भी गिरफ्तारी के प्रयास एसटीएफ कर रही है। आपको बता दें कि एसटीएफ इस मामले में कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। अन्य नाम दर्ज हुए आरोपी आईएसआई एजेंट कलीम के साथियों की भी गिरफ्तारी का प्रयास करी है। तो शामली में कई जगह एसटीएफ की छापेमारी। शर्वन हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ शामली से जुड़ गए। शर्वन, बताया जा रहा है एसटीएफ की छापेमारी चल रही है लगातार, क्या कुछ ऐसे सुराग मिले हैं कि कोई और शख्स आईएसआई का एजेंट निकल सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एसटीएफ के द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से आईएसआई से संबंधित सभी सबूत बरामद किए हैं, उसका जो नाम कलीम है और जो कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की जेल से छुटकर आया था, उसी के बाद एसटीएफ और स्थानीय पुलिस लगातार दबिश कर रही है। और आज जिस तरीके से कलीम के फादर मिस्टर नफीस कुमार और एक व्यक्ति यूसुफ से पूछताछ की जा रही है, हालांकि आरोपी कलीम के पिता को छोड़ दिया गया है क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन यूसुफ नाम के व्यक्ति को जिसको हिरासत में ले गया, पूछताछ की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि जो कलीम है, आरोपी है, उसके अन्य साथी जो उसका सहयोग करते थे, उसकी दबिश के लिए, गिरफ्तारी के लिए दबिश की जा रही है। जी जी, लेकिन जिस तरह यूपीएसटीएफ ने कलीम को पकड़ा था, तो जिस अब कलीम, क्या जो छापेमारी चल रही है उसी के इर्द गिर्द उन्हीं इलाकों में चल रही है या और भी जगह पर चल रही है छापेमारी? जी बिल्कुल, कलीम के आसपास जो रिश्तेदार हैं उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है और जो कलीम के रिश्तेदार इधर उधर कस्बों में या फिर देहात में बसे हुए हैं उनसे भी वहां पर भी दबिश दी जा रही है। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से कलीम शामली जनपद में फल बेचने या सब्जी बेचने का काम करता था और रात में इस तरीके का जघन्य अपराध करता था, उन लोगों को भी तलाश किया जा रहा है जो रात में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।